कुंडल शाही वाटरफॉल इज़ अ ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी ऑफ आज़ाद कश्मीर। इट इज़ आल्सो अ गेटवे ऑफ जागरान एंड बाबून वैलीज। वाटरफॉल एंड इट्स सराउंडिंग ऑफर्स अ स्टनिंग डिस्प्ले ऑफ नेचर्स ब्यूटी। हाउएवर आई डोंट हैव स्पेसिफिक हिस्टोरिकल डिटेल्स अबाउट इट्स ओरिजिन और डेवलपमेंट, बट वन थिंग आई कैन से फॉर श्योर, It is nevertheless a fairy tale land. कहो ना मुझको, हाँ ये सपना है, मैं ख्वाब ही जी लूं सारी उम्र। कहानी तेरी कहानी मेरी सुनेगी ये दुनिया। Assalamu alaikum and good morning viewers. Welcome back to my YouTube channel. My name is Noor and you're watching my channel Eye of a Rider. Viewers, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपर नीलम में और ये सारे व्यूज हैं। बहुत ही आउटस्टैंडिंग जगह है और आज के व्लॉग में मैं आपको लेके जा रहा हूँ कैरन की तरफ और फिर अटमकाम और कुंडल शाही, जो भी रास्ते में खूबसूरत जगहें आई वो दिखाएंगे और कुंडल शाही पे ये वाला वीलॉग एंड करेंगे। तो वियर्स, ये सारा रास्ता भी आपको दिखाऊंगा और रास्ते में जो भी अट्रैक्शंस है वो भी सारी आपको दिखाऊंगा। तो वियर्स, मेरे साथ जुड़े रहिएगा, स्टे ट्यून्ड विद मी एंड एंजॉय द जर्नी विद मी। वियर्स, यहाँ अपर नीलम से हम निकल गए और नीचे कैरन वैली तक जाएंगे और फिर कैरन वैली से आगे कंटिन्यू करेंगे हम अटमकाम की तरफ और वहाँ से आगे ये कुंडल शाही के लिए एक अलग डाइवर्जन आती है तो वहाँ की तरफ फिर हम जाएंगे। इस वक्त ऑलमोस्ट 11:30 बज रहे हैं और इवन देन जो है बहुत ठंड थी यहाँ पे, लेकिन बहुत खूबसूरत वैली है और बहुत इंजॉय किया मैंने यहाँ पे। और रिलेटिवली टूरिस्ट सीज़न नहीं है तो बहुत कम लोग थे यहाँ पे। बहुत स्टनिंग व्यूज़ हैं पूरी वादी के और काफ़ी सारे होटल्स हैं और पूरा शहर है होटल्स का यहाँ पे, तो गर्मियों में ख़ास तौर पे बड़ा मज़ा आता होता है। कैरन के बाद ऑल ऑफ अ सडन बहुत ज़बरदस्त स्टीप शुरू हो जाती हैं यहाँ पर नीलम आने के लिए, लेकिन ये कि बहुत ही खूबसूरत जगह है। वीर से काफ़ी नीचे उतर आए और अब कैरन नज़र आना शुरू हो गया, दरिया नीलम भी अब साफ नज़र आ रहा है और ज़रा स्टीप्स देखिए यहाँ पे, तो दूसरा गियर भी जो है उसमें भी बाइक बेकाबू सी लग रही है। सामने माउंटेन पे देखिए वीर, कितनी ज़्यादा बर्फ़ है, स्टनिंग व्यूज़, आई एम ट्रूली स्पीचलेस। एंड दिस वुड बी द लास्ट कर्व और हम अब बिल्कुल कैरन पहुंच गए हैं, इंडिया पाकिस्तान आमने सामने। ये देखिए कितने प्यारे घर बने हुए हैं और बिल्कुल हम अब कैरन के साथ पहुंच गए, दरिया नीलम भी इतना करीब हो गया है। बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ हैं यहाँ से और वंस यू कम हियर आई एम श्योर यू डोंट वांट टू गो बैक टू होम।
इस तरह के खूबसूरत इलाके हैं कि बंदा जो है वो दुनिया और माफिया से जो है ना वो बिल्कुल बेगाना सा हो जाता है। वीज़ कैरन पहुंच गए हैं और थोड़ा सा डी टूर ले रहे हैं हम, जो शारदा वाली साइड पर थोड़ा आगे तक जाएंगे कि ये जहाँ तक कैरन है वो सारा ज़रा आपको व्यू करा देता हूँ। ये होटल्स वगैरह घर बने हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत बने हुए हैं। तो आगे यहाँ पे कोई एक आध गवर्नमेंट का भी रेस्ट हाउस है और बहुत ही खूबसूरत एटमोसफेयर है। ऑल दो इस मौसम में जो है वो ज़्यादा आगे इस रोड पे नहीं जा सकते क्योंकि आगे काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल हुई है और वहाँ रास्ते भी बंद हैं। तो कैरन से ही हम वापस मुड़ेंगे। कुंडलशाही हमारी अपोजिट साइड पे है, लेकिन ये कि थोड़ा सा मेरा दिल कर रहा था कि यहाँ डी टूर लूँ और कैरन जो है वो एंड तक देख लूँ, तो फिर वहाँ से वीएस हम यू टर्न कर लेते हैं। ये देखिए अब कितने प्यारे होटल हैं और पीछे घर भी बने हुए नज़र आ रहे हैं, और हमारे साथ साथ एलओसी चल रही है राइट पे दरिया नीलम की उस तरफ। तो ओवरऑल जो है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग इलाका है। वापस अपने ट्रैक पे आ गए हैं और कुंडलशाही आबशार की तरफ हमने ट्रैवल शुरू कर दिया है। ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर का ट्रैवल होगा यहाँ अपर नीलम से, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे एंट्री की थी लेकिन ये कह रहे हैं कि अब मैं जा सकता हूँ, मतलब एंट्री जो है वो दोबारा कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ आते हुए शायद यहाँ एंट्री होती हो। तो मैं कह रहा था कि ये जो रास्ता है वो टाइम टेकिंग है, तकरीबन ऑलमोस्ट 1 आवर हमें लग जाएगा। अटमुकाम आ गया है और काफ़ी मेजर टाउन है ये, काफ़ी बड़ा सारा, और ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ फैसिलिटी इज़ अवेलेबल हेयर। इवन फ्यूल स्टेशन भी है यहाँ पे। तो इस पूरे इलाके का जो है ये एक तरह का हब है अटमुकाम। ये वॉल आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं, ये डिपिक करती है कि यहाँ इंडियन आर्मी की पोस्टें सामने, तो सड़क को प्रोटेक्शन देने के लिए जो है ये वॉल बनाई जाती है। तो अब हम बिल्कुल एलओसी के साथ साथ हैं। होती है सुबह तेरे इंतजार में, भीड़ में खड़ा ख्वाबों के बाजार में, कोई ना यहाँ किसको मैं बताऊं तेरी हर अदा, कैसे मैं भुलाऊं क्यों तेरी प्यारी प्यारी गलतियां। मंजूर है पर इसमें मेरा कोई ना कसूर है, कहो ना मुझको हाँ ये सपना है, मैं ख्वाब ही जी लूं सारी उम्र, कहानी तेरी कहानी मेरी सुनेगी ये दुनिया सारी उम्र। व्यूअर्स ये डाइवर्जन आ गई है, ये जो लेफ्ट का रास्ता जा रहा है वो जा रहा है मुजफ्फराबाद की तरफ, लेकिन हमने यहाँ इस बाज़ार में जाना है। तो यहाँ से 2-4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर ही होगा, हार्डली इससे ज़्यादा नहीं है जो है कुंडलशाही वाटरफॉल। लेकिन आगे इसी रोड पे जागरान वैली आती है और फिर बबून टॉप भी इसी रूट से जाते हैं। तो ओवरऑल जो है ये इम्पोर्टेंट डाइवर्जन है काफ़ी खूबसूरत सी जगहों पे जाने के लिए। व्यूज़ बड़े ज़बरदस्त होते जा रहे हैं अब यहाँ पे, और नीचे घर बने हुए बहुत खूबसूरत, और एक वाटर स्ट्रीम भी साथ चल रही है। आई थिंक ये वही कुंडलशाही वाली नाला है जो जाके फिर नीलम में जाके गिरेगा, तो ये साथ साथ नीचे चल रहा है रिज के साथ साथ, और घर देखें और ऊपर माउंटेंस देखें तो इतनी खूबसूरत जगह है। तो यकीनन आगे जो जागरान वैली है वो भी बहुत आउटस्टैंडिंग होगी, और इंशाल्लाह कभी वहाँ का भी व्लॉग बनाऊँगा लेकिन आज नहीं। सो फाइनली वी हैव रीच टू द कुंडलशाही। मुझे यहाँ से ब्रिज नज़र आना शुरू हो गया है और काफ़ी अच्छे होटल से बने हुए हैं। तो यहाँ बस कहीं भी पार्किंग ढूंढते हैं, ये नीचे सारा जो है वो वाटरफॉल का एरिया, तो यहाँ पे पार्किंग करते हैं और फिर चलते हैं वाटरफॉल। बियर्स वाटरफॉल पे पहुंच गए हैं और व्यू दूसरी तरफ से जाके लेते हैं। ये एक ब्रिज सा है, इस
उसके ऊपर से क्रॉस करके दूसरी साइड पे जाना होता है। यहाँ पे एक पुराना ब्रिज था जो कि जो मैं आपको वाकया बता रहा था उसमें वो टूटा था, और अब ये दोबारा बना दिया गया है, स्टील का ब्रिज बना दिया गया। पहले बहुत पुराना सा ब्रिज था। ये व्यूज़ हैं ब्रिज के ऊपर से, और ये इसकी दूसरी साइड है। रेस्टोरेंट भी बन गए हैं और खूबसूरत जगह है। अब ये कुंडल शाही वाटरफॉल के ब्रिज पे से गुजर रहा हूँ, और दूसरी तरफ जाके आपको वाटरफॉल की सीनरीज दिखाता हूँ। बहुत खूबसूरत टूरिस्टिक स्पॉट है, और पानी का बड़ा शोर है यहाँ पे। ये व्यूअर्स यहाँ पे देखिए, ये लगा हुआ है कोई यहाँ पे जो शहीद हुए थे, और ये हम दूसरी साइड पे आ गए। ये व्यूअर्स इसकी दूसरी साइड है, और झूले वगैरह लगे हुए हैं छोटे से, बड़ा पानी आ रहा है इससे। असल में ये वाटरफॉल बनाई गई है, देखें यहाँ पानी सा स्टोर करके उसको ऊपर से नीचे गिराया जाता है, तो ये नेचुरल वाटरफॉल नहीं है, इट्स एन आर्टिफिशियल वाटरफॉल। और लेकिन फिर भी अच्छा टूरिस्टिक स्पॉट है। तो अभी उस तरफ जाते हैं जहाँ से इसका वाटरफॉल आ रहा है, और वो आपको मैं दिखाता हूँ। बड़ी गंदी सी जगह है, यहाँ पे स्लिप होने का डर है। और बियर्स वहाँ बच्चे झूलों वगैरह पे खेल भी रहे हैं। इस तरफ जाने का बेटे रास्ता कहाँ से है? आगे से। अच्छा, तो वो व्यूज उधर से इसका फॉल आ रहा है, दो तरफ से आ रहा है, एक जो नेचुरली पानी का जहाँ से फॉल आ रहा था वो, और एक ये जगह इन्होंने जहाँ पे स्टोर की हुई है, इसका फॉल यहाँ से नज़र नहीं आ रहा। मैं आपको उस तरफ से ले जा के दिखाता हूँ। ये कोई झूला सा लगा हुआ है बड़ा प्यारा सा, डजेंट सीम्स टू मी ऑपरेटिव। हो सकता है क्योंकि सीज़न नहीं है तो इसलिए अभी ना चल रहा हो। और व्यूअर्स ये हम आ गए हैं वाटरफॉल के करीब, तो यहाँ से नीचे उतरना होगा। ये सारी व्यूअर्स चिल्ड्रंस अट्रैक्शंस हैं, और बहुत बड़े बड़े यहाँ पे रॉक्स हैं। आई डोंट नो ये इतनी जाइंट्स किस्म की रॉक्स कहाँ से आई हैं। ये इस तरह रत्ती गली की तरफ जाते हुए भी इस तरह की जाइंट्स किस्म की रॉक्स देखी थी मैंने। तो चलते हैं नीचे की तरफ। बहुत गंदी सी सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ क्या हैं, स्टेप्स ऐसे ही बस पत्थर से बने हुए हैं, और गिरने का डर है यहाँ से। तो यस, दूसरे तरफ की वाटरफॉल आपको दिखाता हूँ। ये देखें पानी नीचे से, इन्होंने मुख्तलिफ जगहों से पानी गुजार रहे हैं, और ये जिन मिट्टी के तख्तों से मैं गुजार रहा हूँ, दीज आर आल्सो वेरी डेंजरस। तो ये इस तरफ इसका वाटरफॉल आ रहा है। ये देखें व्यूअर्स, ऊपर से वाटरफॉल का व्यू, कितना तेज पानी गिर रहा है, बहुत ही शानदार वाटरफॉल है व्यूअर्स। और यहाँ कोई ऐसे आवाज़ आ रही है जैसे गोले फटे हों। बहुत ख़तरनाक इलाका है क्योंकि बॉर्डर के साथ है, तो गोले पट भी सकते हैं, लेकिन आजकल अमन का दौर है, होपफुली ऐसा कुछ नहीं होगा। ये दिस इज द ग्लिम्स ऑफ एंटायर वाटरफॉल।
ये देखें, ये वाटरफॉल है जो नेचुरली आ रही है और ये जो स्टेप्स हैं ये इन्होंने बनाए। टेरिफिक व्यू फ्रॉम एयर। वहाँ से व्यूज में आया हूँ उस तरफ से, और ये ब्रिज क्रॉस करके और इस तरफ से होता हुआ। व्यूअर्स, ये है नीचे से वाटरफॉल का व्यू, बहुत खूबसूरत वाटरफॉल है। आर्टिफिशियली बनाई गई है लेकिन पानी का जो फ्लो है वो बहुत ही शानदार है और बहुत मज़ा आ रहा है इसके साथ खड़े होके। और इससे आगे भी जा सकते हैं लेकिन रिस्की है, मैंने क्योंकि क्लॉक्स पहने हुए हैं और स्लिप होने का काफ़ी डर है, तो व्यूअर्स मैं इससे आगे नहीं जा रहा, यहीं से फुटेज ले रहा हूँ। और यहाँ पे व्यूअर्स रुक के मेरा ख्याल है यहाँ पे मैं ट्राईपॉड लगाता हूँ और इसकी कोई मूवी बनाता हूँ। तो व्यूअर्स ये थी कुंडलशाही वाटरफॉल, मैंने आपको अपर नीलम से लेके यहाँ तक का सारा रास्ता दिखाया और जो जो खूबसूरत जगह आई वो सारा दिखाई और LOC भी दिखाई। और अब यहाँ भी मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया कुंडलशाही पे, बहुत ही खूबसूरत मैन मेड वाटरफॉल है। तो व्यूअर्स अब वक्त हुआ है आज का व्लॉग ख़त्म करने का। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो व्यूअर्स आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। Ra 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 ra